वेलकम टू न्यूज टीवी 99। తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలోని జలపల్లి మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ అహ్మద్ సైఫుల్లా ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు జూన్ 1 నుండి 8 వరకు ఇన్సెంటివ్ శానిటేషన్ స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించారు. ఈ రోజు ఆయన ఆధ్వర్యంలో జలపల్లిలోని పలు ప్రాంతాల్లో నిలిచి ఉన్న నీరు డ్రైనేజీ చెత్త చెదారం ఉండకుండా చూడడం, అదేవిధంగా పట్టణ ప్రగతి రెండో ఫేజ్లో భాగంగా ఈ ప్రోగ్రాం చేపట్టామని, ఎందుకంటే రాబోయేది వర్షాకాలం కాబట్టి మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలి, ఇంటి పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చూస్తామని అన్నారు. అస్సలాము అలైకుం రహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహ్. मैं म्युनिसिपल कमिश्नर अहमद सफ़ीउल्ला जलपल्ली बात कर रहा हूँ. गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव सैनिटेशन स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम 1 तारीख जून 1 से लेकर 8 तारीख तक मुनक़द किया गया, जिसके अंदर सिर्फ सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल किया जाए. जहाँ जहाँ भी बल्क गारबेज यानी कि ज़्यादा कचरे की ज़्यादा मकदार जहाँ जहाँ है उसको मुंतकिल करना, जहाँ पानी ठहरा हुआ है वो पानी की जगह जो है सो उसको भी मुंतकिल करना, और जहाँ जहाँ नालियाँ वगैरह भरे हुए हैं उसको, यहाँ पर तकरीबन अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, इसके अंदर तकरीबन हम लोग गल्फ मिशन सीवर स्पेशल मिशन पूरे लगा के काम करा रहे हैं. ख़ास तौर पे इस वक्त जो कि पट्टन प्रगति स्टेज 2 में हम लोग एक नया टाइप से एक्शन ले चुके हैं. तकरीबन हर वार्ड्स में एक बड़े बड़े यानी कि छोटे छोटे टीलों की तरह पत्थरे रखे हुए हैं. इन तमाम पत्थरों को हर वार्ड से टिप्पर और जेसीबी लगा के मुंतकिल किया जा रहा है. ये काम इसलिए किया गया है कि वहाँ पे अगर उस पत्थरों के अंदर ठहरा हुआ पानी या कचरा जिसे साफ करने के लिए हमारे एम्प्लॉयज़ को मुश्किल हो सकती है, कि उससे डिसीज़ फैलने के यानी मुतादी अमराज फैलने के इम्कान है, इसीलिए ख़ास तौर पर इसको मद्देनजर रखते हुए ये काम इस पटना प्रगति स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव इंसेंटिव में इसको लिया गया है. इसके अलावा भी हम 6-7 मकामात ऐसे आइडेंटिफाई कर चुके हैं जहां पे मेन यानी कि मेजर ड्रेन्स उसके अंदर सिल्ट निकालने की कोशिश की जा रही है. इंशाल्लाह कल से इसका प्रोग्राम, ये भी आज शाम से इसका प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा. दोपहर से एक हिटाची भी हम हायर कर चुके हैं. उसके अलावा भी जहाँ जहाँ भी यानी कि एक स्पॉट्स जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी ठहरता, जैसे उस्मान नगर, बिस्मिल्ला कॉलोनी, हीराकुंटा, हबीब नगर, ये एरिया में वहाँ से भी सिल्ट निकाल के आइल बॉल्स डालने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह इस. और हाइपोक्लोराइड स्प्रे भी हर वार्ड में किया जा रहा है. इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका कोशिश करेंगे के सैनिटेशन को अच्छे से अच्छा साफ सफाई करके इंशाल्लाह आने वाले मुतादी अमराज को रोकथाम करने की कोशिश करेंगे. जैसा कि कोरोना वायरस में हम लोग दिली जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, उसी तरीके से आने वाले बारिश के सीज़न में ये मुतादी अमराज फैलने से रोकथाम करने की कोशिश करेंगे.